आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक सपने से हकीकत तक, जिसकी लेखिका हैं नीता उपाध्याय और प्रस्तुत करती तनुजा कानडे। तो आइए सुनते हैं नाटक सपने से हकीकत तक। प्लीज वेलकम बैक, शादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ये बताओ हमारी भाभी कैसी है? और भाई शादी की मिठाई कहाँ है? क्या करें पुनीत, हम फौजियों की जिंदगी बड़ी अजीब और गरीब है। कितनी मुश्किल से तूने शादी की और छुट्टी ली और आज तुझे अचानक आना पड़ गया। बस 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 समीर, तुमने तो सवालों की बौछारी लगा दी और अब एक एक करके अपने सवालों का जवाब भी सुनो। तुम्हारी भाभी बहुत ही नेक और लाखों में एक है। सच पूछो तो कुछ ही मुलाकातों में उसने मेरा दिल जीत लिया। काश यार मैं थोड़ा समय और उसके साथ बिता पाता। ये लो समीर, शादी की मिठाई और कुछ तोहफे जो मेरी माँ ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। लो। वाह, मजा आ गया। क्या मिठाई है यार! अरे भाई तोहफों के लिए आंटी जी को धन्यवाद कहना। काश मैं भी तेरी शादी में शामिल हो पाता। अरे समीर ये देखो, शादी की कुछ तस्वीरें। अरे वाह यार वाह, भाभी तो पुरानी हीरोइन मधुबाला जैसी दिख रही है। और वैसे पुनीत तू भी ऋतिक रोशन से कम नहीं लग रहा। अच्छा पुनीत, सबसे पहले कर्नल राणा से मिलते हैं। चलो अब फिर थोड़ा मैं आराम भी कर लूंगा। देख कर्नल राणा थोड़े कड़क हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। सर पूछो पुनीत, इतने टेंस्ड माहौल में भी हमारा मनोबल हमेशा बनाए रखते हैं। ओके चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम कैप्टन पुनीत। I'm from 34 medium regiment, sir. Good morning, boys. दोस्तों, हमें करीबी दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए तथा युद्ध रणनीति के बारे में सब कुछ ध्यान से सुनना चाहिए। पुनीत, तुम अभी नए हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं, पर जब मैं तुम्हें युद्ध रणनीति के बारे में समझा रहा था तब तुम बार बार बाहर क्यों देख रहे थे? एक फौजी का सारा ध्यान युद्ध क्षेत्र के अलावा इधर उधर नहीं भटकना चाहिए तथा उसे हर तरफ से सोचते रहना चाहिए, संकेत बरतना चाहिए। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं होगा सर। बहादुर सिपाहियों, जब तक हमें ऊपर से आगे बढ़ने के आदेश नहीं आते हमें यही व्यायाम करना पड़ेगा। आप सबको मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना होगा। यस सर। आज इतने सालों से मैं पहली बार मुझे किसी ने सबके सामने टोका है। ये मुझे क्या हो रहा है? रह रहकर मुझे नेहा का चेहरा सामने नजर क्यों आ रहा है? मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है? पुनीत चल ना यार, थोड़ी देर बाहर जाकर कहीं बैठते हैं, मन बहल जाएगा। तुम जाओ समीर, मेरा मन नहीं कर रहा यार, मैं कमरे में अकेला ही रहना चाहता हूँ। पुनीत माना कि तू एक आज्ञाकारी सुशील बेटा है, एक वफादार फौजी ऑफिसर, लेकिन फौजी ऑफिसर को मस्ती नहीं भूलनी चाहिए, जिंदगी मस्ती होनी चाहिए। अरे जिंदगी का दूसरा नाम मस्ती है, यूं खामोश रहने से क्या मिलेगा? ऐसा करते हैं चल बाहर चलते हैं। अरे यार तुझे कोई बीमारी हो जाएगी, चलना। अरे यार फिर कभी चलूंगा। पुनीत तू इतना सोचता क्यों है यार, हम लोग कितने अपने घर से दूर हैं, यहां में कोई जानने वाला नहीं है। युद्ध क्षेत्र से भी करीब 125 किलोमीटर आगे हम लोग दूर हैं यार, फिर काहे का डर? प्लीज किसी और दिन। जैसा तू कहे यार।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आज डॉक्टर प्रज्ञा और टॉपर से माने जा रही हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आज का खाना हम सब साथ लेंगे। समीर, ये मैडम कौन? पुनीत, ये लेडी डॉक्टर प्रज्ञा हैं। बहुत ही कुशल, होशियार और स्मार्ट है। जरा संभाल के रहना। कभी सीरियस ही नहीं रहता। प्रज्ञा मैडम, जन्मदिन मुबारक हो। भगवान आपको लंबी आयु दे। अब जरा जल्दी में केक काट लिया, बहुत भूख लग रही है। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर प्रज्ञा हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अरे, कोई है जिसे केक नहीं मिला हो? वहां सामने खिड़की के पास कोई है? चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, मेरा नाम प्रज्ञा है। आप शायद इस यूनिट में नए आए हैं? यस मैडम, मेरा नाम कैप्टन पुनीत है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। लेकिन आप चुपचाप एक कोने में क्यों खड़े? चलिए डांस करने चले। मैडम मैंने दीजिए, मुझे अकेले रहना ही पसंद है। बेवकूफी मत करो, क्यों रंग में भंग डाल रहे हो? चलो पुनीत, जिंदगी का हर लम्हा आनंद लेने का है, अपने गमों को भूल जाओ। आप ठीक कह रही हैं मैडम, मुझे वाकई अच्छा लग रहा है। गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पार्टी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। मैडम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। वाह, मैडम के साथ तू क्या मस्ती से डांस कर रहा था। What a change in you. वैसे मैडम पहली ही नजर में घायल हुई थी, अब आया है तू सही रास्ते पे बच्चों। हम फौजियों को तो सिर्फ इस पल की सोचनी चाहिए, अगले पल क्या मालूम दुश्मन की कोई गोली हमको छल नहीं कर दे। सच है, आज बहुत ही अच्छा लगा। एक अजीब सा एहसास जो मैं भूलना नहीं चाहता हूं, मुझे मैडम में नेहा दिखाई दी। समझ गए, भाभी को पता चला तो। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। ख्वाब और हकीकत के फासलों को मैं अच्छी तरह समझता हूं और इन फासलों को मैं तय करना भी जानता हूं। Don't worry, मैं ये बात अपने तक ही रखूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम शायद ये गलत समझ रहे हो। एक डांस मैडम के साथ क्या कर लिया? अरे तुमने तो राय का पहाड़ बना लिया। अरे भाई, वक्त का क्या भरोसा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मैडम का दिल भी शायद तेरे पर आ गया है, तू हैंडसम भी तो बहुत है यार। बस आज के लिए इतना काफी है, बहुत मजाक हुआ समीर। गुड नाइट, बाय बाय। ओके, स्वीट ड्रीम। मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं, ये क्या हो गया है मुझे? क्यों नहीं मेरे को अपने मन पे काबू आ रहा? प्रज्ञा मैडम से एक दिन की मुलाकात ने मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया, कहीं ये प्यार तो नहीं? नहीं, मेरी पत्नी का स्थान तो इस जन्म में कोई नहीं ले सकता। मैं समझता हूं ये एक आकर्षण है या वासना।
जो भी है, ये मुझे भयभीत कर रहा है। एक अजीब सी कंपन मेरे मन में क्यों हो रही है? मेरे वफादार नौजवानों, वैसे तो हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो चुके हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े देश भारत पाक के छिड़े हुए युद्ध को शांति में बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक ऊपर से संकेत नहीं आते, हमें यहीं डटकर रहना होगा, अपनी पोजीशन संभालनी होगी तथा अपने को हर समस्या से जूझने के लिए तैयार रखना होगा। याद रहे, किसी भी प्रकार की अनहोनी के लिए हमें सतर्क रहना होगा तथा हर बढ़ते हुए कदम हमें समझदारी से उठाने होंगे। यस सर। पुनीत, ए पुनीत, चल रहा है क्या यार? बहुत बहुत एक्सरसाइज हो गई। कहाँ जा रहा? अरे यार, वही 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 जहां जहां कोई जाने से डरता है। यारो यारो, नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, और मस्ती का नाम है तंदुरुस्ती। तुम्हारी मस्ती और मेरी मस्ती में बहुत फर्क है भैया। अरे भाई, जैसी तेरी मर्जी, हम तो चले। चलो भाई, थोड़ी देर के लिए मैगजीन पढ़ता हूं। अरे नहीं, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिया जाए। क्यों ना मैडम प्रज्ञा के साथ अपनी शाम बिताऊं। मैं अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। यू नो पुनीत, तुम औरों से अलग हो। कैसे मैडम? तुम्हारी प्लीजिंग पर्सनालिटी, तुम्हारा गंभीर नेचर और बस बस बस, बहुत हो गया। आप अगर थोड़ी सी फ्री हो तो वॉक के लिए चले। यहाँ थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही है। इट्स माय प्लेजर। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, आपको आर्मी में कितने साल हो गए? करीब 9 साल तो हो ही गए। और तुम्हें? सिर्फ 6 साल। कैसी लगती है लाइफ? आपका मतलब लाइफ विदाउट वाइफ? अच्छा पुनीत, रात बहुत हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। मैडम मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कभी कभी हमारी तरफ भी आया कीजिए, कहिए तो मरीज बन जाऊं। यू नोटी फेलो। ठीक है, कल मरीज को देखने आऊंगी और डिनर भी तुम्हारे साथ खाऊंगी। ओह वेरी गुड, वेरी गुड मैडम, गुड नाइट। चलिए कल मिलते हैं। बाय, सी यू। 3 एकदम निशाने पर बैठा। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैडम के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था, एकदम छुपा रुस्तम निकला तो मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। अरे समीर यार, तू दाल में काला ही ढूंढता रह जाता है। डोंट फॉरगेट, लाइफ इज टू एंजॉय माय डियर। आज सूरत पश्चिम से कैसे निकल आया यार? भाई मुझे तो नींद आ रही है। तू तेरे मैडम के सपनों में खोया रे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। समीर ठीक ही कह रहा था, जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, और फिर जिंदगी का भरोसा ही क्या। क्यों नहीं मैं भी जिंदगी को समीर की तरह ही एंजॉय करूं। आज ही रात को कहीं चलते हैं। अरे कहीं क्यों, प्रज्ञा मैडम के पास क्यों नहीं?
अरे मैडम, आप इस वक्त यहाँ? पुनीत, पुनीत तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम ही मेरे सुनेपन को दूर कर सकते हो। प्रज्ञा, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। आज का दिन हमारी जिंदगी का यादगार दिन बनकर रह जाएगा। प्रज्ञा, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ पुनीत, थोड़ी करीब आओ ना पुनीत, प्लीज पुनीत, प्लीज। सावधान सावधान सावधान। कौन सावधान? कौन हो तुम? मैं तुम्हारे शरीर का पहरेदार हूँ और मेरा काम तुम्हारे अंदर से बाहर से बीमारी फैलाने वाले कीटाणु आते हैं उनको मारना है। पुनीत, तुमको आने वाले खतरे से आगाह करने आया हूँ। खतरा? कैसा खतरा? पुनीत, जो तुम प्रज्ञा के साथ करने की सोच रहे हो उसका नतीजा जानते हो क्या? तुम्हारे जाने तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं जो भावनाओं के वश में होकर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिंदगी पर पछताते हैं। जरा खुलकर बताओ। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो तीन माध्यम से फैलती है। पहले जब कोई एक से ज्यादा लोगों से शारीरिक संबंध रखता हो या जब किसी का शारीरिक संबंध उससे होता हो जो यह बीमारी से पहले ही पीड़ित है। दूसरा, जब एड्स से पीड़ित व्यक्ति का खून किसी और मरीज को चढ़ाया जाए या ऐसे औजारों का इस्तेमाल जिसमें वायरस पहले से ही मौजूद हो। और तीसरा माध्यम एड्स फैलने का गर्भवती महिला से अपने शिशु को है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करने से भी खतरा है क्या? नहीं, एड्स साथ उठने बैठने खाने पीने से नहीं बल्कि यह खुद पाली और बुलाई की बीमारी है। और याद रहे पुनीत, यह हेरिडिटी या अनुवांशिक बीमारी नहीं। इस बीमारी के लक्षण क्या है? शरीर का वजन कम होना, बहुत थकान होना, एक महीने तक पेचिश की शिकायत, काफी दिनों तक बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ, मुंह तथा पलकों पर गुलाबी निशान इत्यादि इत्यादि। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को रोगों से लड़ने की क्षमता एकदम कम हो जाती है। इस बीमारी से बचने का कोई उपाय है? शारीरिक संबंध स्थापित करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे निरोध का इस्तेमाल करें। तुमको चाहिए कि अपने वैवाहिक जीवन साथी के साथ ही शारीरिक संबंध स्थापित करें। कभी भी खून चढ़ाने की नौबत आए तो एड्स वायरस रहित खून ही चढ़ाए। सिरिंज और निडल का ख्याल रखें तथा स्टरलाइज सिरिंज का ही इस्तेमाल करें। एड्स का कोई इलाज भी है क्या? अभी तक तो सिर्फ सावधानी ही इसका इलाज है, लेकिन वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में शीघ्र ही इसका इलाज ढूंढ निकाल लेंगे। अरे भाई, आपका नाम तो कुछ होगा? मैं तुम्हारे शरीर का व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कण हूँ तथा मेरा काम तुम्हारे शरीर में बीमारी फैलाने वाले कीटाणु को प्रवेश करने से रोकना है। कोई भी कीटाणु जो बीमारी फैलाता है मैं उसे मार गिराता हूँ। पर एड्स का वायरस जब शरीर में घुस जाता है तो मेरी जान को खतरा होने लगता है। अगर मैं मर गया तो तुम्हें कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। जीव जीव, तुम्हें किसने मारा? नहीं नहीं पुनीत, 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 क्या हुआ तुझे? तू कुछ सपना देख रहा है क्या? अरे, ओह माय गॉड, और भयानक सपना। फिर सपना बताऊंगा तुम्हें। पुनीत, ए पुनीत, जल्दी उठ, देख देख मैडम आई है। आज आज संडे मनाया जा रहा है क्या? सवेरे के 9 बज गए हैं। नहीं नहीं मैडम, नहीं, सोने में थोड़ी देर हो गई थी। आप बैठिए ना, आप बैठिए ना, मैं चाय का ऑर्डर करके आता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हैं आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ, पर तुम जरा डिस्टर्ब लग रहे हो। मैडम पहले डिस्टर्ब था पर अब एकदम ठीक हूँ। अरे वैसे मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज लेकर आई हूँ। मैं समझा नहीं। पुनीत, दरअसल मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ, और वो ये है कि वॉर कॉल यानी युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई है। अरे वाह मैडम, क्या बात है, इतनी अच्छी खबर और इतनी देर सुनाने में। मैडम उम्मीद करता हूँ
कि आपने मुझे समझने में कोई गलती नहीं की होगी। I'm sorry, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ तथा आपको अपना बहुत ही करीबी दोस्त मानता हूँ। पुनीत, जिन हालात से तुम गुजरे हो लगभग उन्हीं हालात से मैं भी तो गुजर रही थी। इतना करीब आने के बावजूद समय रहते ही हम संभल गए, ये ऊपर वाले की मेहरबानी ही तो है। यस, या फिर हमारे माँ बाप का आशीर्वाद तथा हमारे चाहने वालों का अटूट विश्वास है जो कि हम इतना करीब होकर भी दूरियां रख पाए। You are right. एक अच्छे दोस्त होने के लिए शुक्रिया पुनीत। शुक्रिया मैडम, सपनों की दुनिया से हकीकत में तो आए। स्पेशल टी फॉर ए स्पेशल पर्सन। यू रिमाइंड मी ऑफ माई हस्बैंड समीर। यू रिमाइंड मी ऑफ माई हस्बैंड हूम आई रियली मिस। बिल्कुल तुम्हारी तरह, वो भी चिढ़ाता रहता है मुझे। पर अफसोस अफसोस अफसोस, आपने हमसे ज़रा नंबर इस कमबख्त पुनीत को दे दिया। दोस्तों, आखिरकार ये युद्ध विराम की घोषणा हो गई। आप लोग वापस अपनी अपनी यूनिट जा सकते हैं तथा जो अपनी हॉलीडेज से आए हैं वो एक बार फिर वापस जाकर एंजॉय कर सकते हैं। गुड लक टू ऑल माय फ्रेंड्स। जय हिंद जय हिंद। शुक्रिया सपने का, जिसने मुझे बचाया और आज मैं एक आजाद पंछी की तरह महसूस कर रहा हूं जो अभी तक भावनाओं के पिंजरे में बंधा था। अरे पुनीत, कल का सपना नहीं सुनाया क्या? क्या चीखा था बाप, मुझे लगा कि दुश्मन ने अटैक कर दिया हो। सुनेगा तू भी चीखेगा। सुना ना, तेरा सपना मेरा अपना। ले भाई, तेरी ट्रेन तो आ गई, ना जाने फिर कब मुलाकात होगी। तुझसे इतना अपनापन मिला कि बता नहीं सकता यार, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सपने को भुलाना नहीं तथा हकीकत से जी चुराना नहीं। शरारती है तू। पुनीत, तेरी बातों में बहुत दम है यार, इसलिए अपनी आप बीती हम भी यहीं छोड़ के जाएंगे। आने वाले दिनों में तेरे ड्रीम जीव को भी हमेशा याद रखेंगे। जरूर जरूर, घर में सबको प्यार देना। एंड यू टेक केयर ऑफ माय भाभी। डेफिनेटली। अच्छा अभी जल्दी जा, ट्रेन मिस हो जाएगी। ओके, बाय 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 बाय। मैं भी नेहा को फोन करने आता हूँ। हेलो नेहा, हाय, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी आ रहा हूँ और बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अरे हाँ भाई, अपना वादा ही तो निभा रहा हूँ। I miss you a lot, lot of love to you. Bye dear, bye bye. सचमुच हकीकत में सपने से ज्यादा ताकत होती है। अभी आप सुन रहे थे नाटक सपने से हकीकत तक, जिसकी लेखिका थी नीता उपाध्याय। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका संवेद पात्र परिचय इस प्रकार है: पुनीत C.S. खेवरा, समीर मुजीब खान, प्रज्ञा भारती कानडे, जीव संतोष शेठ। निर्माण सहयोग था संतोष शेठ, राजशेखर अक्की और घनश्याम यादव का, और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानडे। ये नाटक
आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।